नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत बेहतरीन चारा लेकर आया हूँ आप लोग के साथ। रोहू फिश का चारा, ये गेहूं का आटा है दोस्तों, जिसका हम रोटी पकाते हैं वही है। ये गेहूं का आटा है और ये चावल का आटा है। चावल जो नया राइस पॉलिश होता है वही का आटा है ये दोस्तों। वो पका हुआ भात है एक, और ये हींग, हींग देखिए ये वाला हींग है, इसको हम पानी में फुलाए हैं घुलने के लिए। और उसके बाद हमको ये गुड़ लगेगा दोस्तों, गुड़, गुड़ को भी हम वैसे ही कुछ करके फुलाया है पानी में। बस यही हमारा वेट है दोस्तों, आप लोग देखिए वीडियो को पूरा। बहुत से लोग बोलते थे सर्दी में शिकार नहीं होता है, शिकार नहीं होता। अरे भाई शिकार क्यों नहीं होता है, शिकार के लिए चारा चाहिए वैसे। चलो ठीक है, हम मिलाते हैं अभी गेहूं का आटा है ये, ये गेहूं का आटा भी डालते हैं। और ये चावल का आटा है, ये वाला चावल का आटा है देखिए। और ये पका हुआ भात है, ये जो रखे हैं साइड में है वो पका हुआ भात है, उसको इसमें हम नहीं डालेंगे दोस्तों, ऐसे ही बनाना है इसको। इसमें पानी नहीं डालना है आप लोग को, इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे पहले आटे को, चावल का आटा और गेहूं का आटे को अच्छे से मिला करके, उसके बाद हम चावल डालेंगे। पका हुआ भात जो है, पका हुआ भात उसको हिसाब से लेना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं लेना है पका हुआ चावल, वरना गील होने का चांस हो जाता है चारा, आपका वेट गील हो जाने का चांस रहता है ज़्यादा लेने से, इसीलिए थोड़ा कम कम करके मिलाएं हिसाब से, जितना यूज लगे उतना ही यूज करें, ज़्यादा चारा का पका हुआ चावल का इस्तेमाल ना करें। हम पानी नहीं डालेंगे दोस्तों, इसको इसी से सानना है पका हुआ चावल से, इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। बहुत मस्त बेट है दोस्तों रोहू के लिए, इसमें बहुत बड़ा बड़ा रोहू लगता है। हम आज आपको दिखाएंगे मार करके रोहू फिश, आज शिकार करने जाने वाले हैं दोस्तों, आज लाइव दिखाएंगे आप लोग को। आज शिकार करने का मन किया मेरे को, तो वो सोचे कि चलो शिकार करें आज। ये हींग है दोस्तों, हींग इसको घुला दिए हैं अच्छी तरह से, एक चम्मच हींग है, ज़्यादा नहीं लेना है दोस्तों। देखिए इसको भी मिलाएंगे हम अच्छी तरह से। और ये गुड़, जो गुड़ घुला कर रखे हैं दोस्तों, ये आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मिठाई का गांध होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम गुड़ लिए हैं, ये गुड़ है, इसको हम घुला लिए हैं पानी में, इसको अच्छी तरह से मिलाना है दोस्तों। इसको जितना बढ़िया से मिलाओगे उतना अच्छा शिकार होगा दोस्तों। चलो ठीक है, हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले रहे हैं अभी। तब तक हम मिक्स कर रहे हैं दोस्तों, तब तक आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और साथ में बेल आइकन का घंटी है उसे भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आप लोग के पास अच्छी तरह से पहुंच जाए दोस्तों। वेट के बारे में कोई सच्चाई नहीं बताता है दोस्तों अपनी, लेकिन हम आप लोग को लाइव दिखा रहे हैं, यही हमारा वेट है, इसी से हम शिकार करते हैं। और आज हम रोहू फिश आप लोग को मार कर दिखाएँगे, इसमें बहुत बड़ा बड़ा रोहू लगता है दोस्तों, आज हम दिखाएंगे भी आप लोग को मार करके। अब प्लीज यार भाई लोग हमारा 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए, पूरा कंप्लीट करा दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोग से यही बार बार कहता हूँ, आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने हैं वो लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को, यही कहना चाहता हूँ मैं आप लोग से। ये जो बचा हुआ हींग का पानी है उसको भी डाल देंगे हम इसमें, और ये गुड़ जो है उसको भी डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा बचा है, ये क्या होगा, इसमें डाल देते हैं अभी, डाल करके इसे अच्छी तरह से मिलाएँगे।
अब हमारा चारा रेडी हो गया है दोस्तों, आप लोग देखिए इसे, इसमें पानी थोड़ा सा भी नहीं डाला मैं, देख सकते हैं आप लोग। चलो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, अब अगले वीडियो बनाएंगे फिशिंग वाला, अभी आप लोग को दिखाएंगे वो भी हम फिशिंग करके।